अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम लक्स स्टाइल अवार्ड्स के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लक्स स्टाइल अवार्ड्स को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें तमाम तरह एक्ट्रेसेस ने बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एंड वल्गर ड्रेसिंग की होती है। हर साल की तरह इस साल भी लक्स स्टाइल अवार्ड्स हुए, जिन्हें बहुत सी मॉडल्स एंड एक्ट्रेसेस आई हुई थी, और इस बार भी सब ने बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एंड वल्गर ड्रेसेस वेयर किए थे और इन्हें जमकर ट्रॉल किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी अदाकाराएं थी। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप मुझे बताएगा कि आपको कौन सी अदाकारा सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी हम लक्स स्टाइल अवार्ड्स में। इस लक्स स्टाइल अवार्ड में पाकिस्तानी फेमस अदाकाराएं भी आई थी, जबकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बहुत से फेमस मॉडल्स भी आए थे। आप लोग मुझे बताएगा कि आपको क्या लगता है कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स को हर दफ़ा जब तंकीद का निशाना बनाया जाता है तो क्या ये सही होते हैं या नहीं? बोल्ड एंड बहुत से वल्गर ड्रेसेस पहनी हुई अदाकाराएं कैसी लगती हैं? अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी केस में यही होता है कि पाकिस्तान की वो अदाकाराएं जो कि ड्रामा सीरियल्स में तो बहुत ही ज़्यादा मासूम और डिसेंट नज़र आती हैं, लेकिन वो अवार्ड शोज में बहुत ही ज़्यादा वल्गर ड्रेसिंग करती हैं, जिसके बाद वो फैंस के दिलों से उतर जाती हैं, जिसमें आयशा उमर, इकरा अजीज़, अबा कमर और हानिया आमिर जैसी अदाकाराएं शामिल हैं। लेकिन इस बार हानिया आमिर ने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और डिसेंट ड्रेस वेयर किया था, जिसमें इन्होंने फ़लस्तीन का बैज भी लगाया था, जो शो करता था कि फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रही हैं, जिसमें लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी किया, जिसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग में इजाफा हुआ है और अभी पाकिस्तान की नंबर वन ऐसी एक्ट्रेस बन गई है जो कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो की जाती हैं। आपको ये पूरा अवार्ड शो कैसा लगा? इसमें आए गए सेलिब्रिटीज़ और उनकी सेंस ऑफ स्टाइलिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। आयशा खान पाकिस्तान की उन अदाकाराओं में से एक है जिन्होंने कभी भी बोल्ड ड्रेस वेयर नहीं किए, और लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब कोई अवार्ड शो हो या फिर हो कोई फ़ोटोशूट जिसमें आयशा खान का डिसेंट सा ड्रेस और सेंस ऑफ स्टाइलिंग देख सकें। आप लोग को आयशा खान कैसी अदाकार लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। अगर आप लोग आयशा खान के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम जिस अदाकारा की बात करेंगे वो पाकिस्तान का नेशनल क्रश रह चुकी हैं, जिनका नेम है अलीज़े शाह। अलीज़े शाह जो कि खूबसूरती की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग कमाई थी, वो भी इस बार अवार्ड शो में नज़र आई। इनको भी बहुत ज़्यादा ट्रॉल किया गया। अलीज़े शाह ने बहुत ही ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया है, जिसके बाद वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस कहीं से भी नहीं लग रही थी और इनके ड्रेस को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। आप लोग मुझे बताएगा कि आपको अलीज़े शाह की ये लुक कैसी लगी। तो व्यूवर्स, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करूंगी कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।